अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तों आज जो है मेरा कतर में वो दूसरा दिन है। कल मैं पहुंचा तकरीबन 3:00 मतलब कुछ मिनट पर मैं जो है ना यहाँ कतर एयरपोर्ट पे लैंडिंग किया। बहुत खजल खवारी के बाद, बहुत स्टे के बाद जो है मैं कतर पहुंचा हूँ। तो आज के लिए आपको पता है थोड़ा टिकट का प्रॉब्लम इशू चल रहा है, जिस वजह से मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर। तो सोचा चलो बाहर निकलते हैं, यहाँ की मार्केट वगैरह का विज़िट भी कर लेते हैं। तो यहाँ कतर के हालात भी आजकल तो सख्त चल रहे हैं, काम की वजह से बहुत से इशू चल रहे हैं। तो सोचा यहाँ की मार्केट विज़िट कर लूँ, यहाँ के हालात और वाकया चेक कर लूँ कि क्या सिचुएशन है यहाँ की और क्या काम की सिचुएशन है, और साथ अपने काम के हवाले से भी चेक कर लेते हैं कोई काम जगह मिल जाए। तो यहाँ पे एक भाई से बात हुई है, वो कुछ जगह बताई उसने, तो वहाँ पर हम जाएँगे विज़िट करेंगे, वहाँ पे भी जाके देखते हैं क्या काम का क्या बनता है। तो कतर में जो है ना अभी तकरीबन मेरे हिसाब से गर्मी भी लग रही है मुझे, ऐसे जैसे पाकिस्तान में आया था, लेकिन पाकिस्तान में भी मत इतनी ज़्यादा नहीं है, बस वहाँ पे भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे अभी तो तकरीबन 12:30 का अराउंड टाइम है यहाँ पे। तो नमाज़ पढ़ के फारग हुआ हूँ, यहाँ पर मार्केट भी देख रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको पहले पता होगा शायद, अगर आपने मुझे कभी मेरे ब्लॉग वगैरह देखे हैं, तो पहले से पहले जो यहाँ से 4-5 साल में सऊदीया में होता था, तो वहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा एक थोड़ा अलहदा एक कंट्री है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केटें वगैरह भी हैं, यहाँ पे हर चीज़ की मतलब शॉप है, वहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे निकलेंगे बाहर तो देखते हैं। पहले एक जगह, वो जगह जहाँ पे भाई ने बताई, वहाँ पे जाके विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या वहाँ का काम बनता है, मार्केटें वगैरह, यहाँ की रोड वगैरह। हाँ, फीफा के बाद यहाँ पे जो है ना, मैंने सुना है यहाँ पे फीफा के बाद जो है ना काम की बहुत सी प्रॉब्लम इशू चल रही हैं। तो इंशाल्लाह जो बंदा मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो इंशाल्लाह उसकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाती है। तो दोस्तों आई होप हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको साथ साथ काम के हवाले से, यहाँ के हालात के हवाले से हम आपको बताते जाएंगे, आपसे बात करते रहेंगे। तो क्या सिचुएशन है यहाँ की, काम कैसा है, यहाँ के क्या मामलात हैं, वो सब चीज़ें आपसे शेयर करता जाऊँगा इंशाल्लाह। वो कतर की मेरे जो पाकिस्तान से जो यहाँ तक मैंने वीडियो बनाई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह आई होप आपको वो हमारी जो वीडियो पाकिस्तान टू कतर, आपको मेरी वीडियो वो पसंद आएगी। तो वो भी आप देख लेंगे कैसी है वीडियो। यहाँ के रोड वगैरह भी मतलब यहाँ की ट्रैफिक भी बहुत है, मतलब चल रही है, थोड़ा सा नया है बंदा देख के, यहाँ पे देख के चलना पड़ता है। तो वो वाले ब्लॉग आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा, तो आप वो वाला भी ब्लॉग इंशाल्लाह आपके पास शेयर करूँगा। और जो भी मेरे साथ कितने का टिकट मिला वो भी आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगा। आने वाले दिनों में आपको कतर के हवाले से जितनी भी मेरे साथ यहाँ तक पहुँचने में जितने भी जो भी मेरे साथ मामलात हुए या जो भी मेरे साथ बातें हुई वो आपके साथ शेयर करता चलूँ, ताकि आपको कतर आने में कोई ऐसी प्रॉब्लम भी पेश ना आए। तो दोस्तों आई होप आपको हमारे आज का जो मिनी ब्लॉग है, ये छोटा सा ब्लॉग है, हमने आपके साथ शेयर किया है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो बाकी नेक्स्ट रही यहाँ की, आने वाले दिन में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब लाजमी, हमारे चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना ये फेसबुक ब्लॉग बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम के बाद शुरू किया यहाँ पर, जो इंशाल्लाह आपको डेली तो नहीं, मतलब मेरा हफ्ते में एक दो ब्लॉग आपको मिल जाएंगे। जो भी चीज़ आपको मालूम चाहिए वो मैं आपको साथ शेयर करते जाऊंगा। यहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा है, माशाल्लाह हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। रूम रेंट किया है, रूम के हवाले से हर चीज़ के हवाले से आपके साथ बात शेयर करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।